फाइनली गाइस रेडमी ने लॉन्च कर दिया इंडिया में अपना एक ब्रांड न्यू स्मार्टफोन जिसका नाम है रेडमी नोट 8 प्रो। खास करके गाइस इस फोन को अब जैसे गेमर्स लोगों के लिए ध्यान में रख के बनाया गया। अगर आप एक पबजी प्लेयर हो, अगर आप एक गेमर हो, तो भैया आज का वीडियो आप ही लोगों के लिए, ठीक है। तो चलो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से अनबॉक्स करते इस रेडमी नोट 8 प्रो को। और अनबॉक्स करने के बाद में क्या होने वाले मेरे फर्स्ट ओपिनियन इस रेडमी नोट 8 प्रो के बारे में, चलो गाइस करते हैं आप इस वीडियो को स्टार्ट। सो लेट्स गो। तो ये है मेरे पास में Redmi कंपनी की तरफ से आने वाला Redmi का ब्रांड न्यू मिड रेंज स्मार्टफोन का बॉक्स जिसका नाम है Redmi Note 8 Pro। बॉक्स के लेफ्ट साइड में मेंशन किया हुआ है Alexa बिल्ट इन। चलो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से अनबॉक्स करते हैं इसी बॉक्स को। बॉक्स को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले हमें मिलता है एक सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर में हमें मिलता है सिम ट्रे, बेसिक पेपर वर्क एंड फोन कवर। और इसके बाद में हमें मिलता है ब्रांड न्यू Redmi Note 8 Pro हेलो व्हाइट कलर में। और इसके बाद में हमें मिलता है USB Type-C केबल एंड 18 वाट का फास्ट चार्जर। ये तो बात होगी सभी बॉक्स कंटेंट की। अब बात करते हैं इस फोन के डिजाइन के बारे में। फोन के राइट साइड में है पावर लॉक अनलॉक बटन और इसी के जस्ट ऊपर में है वॉल्यूम रॉकर। फोन के ऊपर की तरफ में है सेकेंडरी माइक्रोफोन एंड आयर ब्लास्टर। फोन के लेफ्ट साइड में हमें मिलता है टू ट्रेस जहाँ पे आप 2 नैनो सिम एंड 1 SD कार्ड को लगा सकते हो। फोन के नीचे की तरफ में हमें मिलता है 3.5mm ऑडियो जैक, USB टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन एंड स्पीकर ग्रिल। फोन का बैक साइड आता है हेलो व्हाइट कलर में। फोन के बैक साइड में हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। फोन के बैक साइड में हमें मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप जहाँ पे पहला कैमरा हमें मिलता है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और इसका जो एपर्चर है वो है f1.9। और इसके नीचे में है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा। और इसी के नीचे में हमें मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड इसी के राइट साइड में है LED फ्लैश और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। और फिंगरप्रिंट के नीचे में लिखा हुआ है 64 मेगापिक्सल AI सुपर कैमरा। और लास्ट में हमें मिलता है Redmi का ब्रांडिंग। अब बात करते हैं फोन के फ्रंट साइड के बारे में। फोन के फ्रंट साइड में हमें मिलता है 6.53 इंचेस का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले। ये डिस्प्ले आता है ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ में जहाँ पे लगा हुआ है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। डिस्प्ले का प्रोटेक्शन के लिए हमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। इस वाले डिस्प्ले की मदद से आप यूट्यूब में फुल HD 60 FPS में वीडियोस को देख सकते हो। अब बात करते हैं फोन के कैमरा के बारे में। इस फोन का फ्रंट साइड में हमें मिलता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और इस कैमरा के अंदर में हम लोग को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं फोटो एंड वीडियोस के लिए। इस फोन के कैमरा से मैंने डिफरेंट सिचुएशन में बहुत सारे डिफरेंट फोटोज क्लिक किए हैं। चलो मैं आपको उन फोटोज को दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं फोटोज की क्वालिटी बहुत ही मस्त है यहाँ पे। फोन के कैमरा से आप बहुत ही नेचुरली फोटोज क्लिक कर सकते हो। इस फोन के फ्रंट साइड से आप फुल HD में वीडियोस को शूट कर सकते हो एंड बैक साइड से 4K 30 FPS में वीडियोस को शूट कर सकते हो। चलो मैं आपको वीडियोस का सैंपल्स को दिखाता हूँ। Hey, what's up guys? This is Rohan Thakur and you are watching Rohan Gents. आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक स्पेशल गेस्ट से जिनका नाम है वो फाइनली गाइस दीपक जी इज हियर। ये गाइस इस फोन का फ्रंट कैमरा का वीडियो का सैंपल। अब वीडियो का सैंपल आपको कैसा लग रहा है इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में। इस फोन के अंदर में हमें मिलता है MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर। इस प्रोसेसर को 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर में बनाया गया है और ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर के अंदर में आपको Mali G76 GPU देखने को मिल जाता है।
इस प्रोसेसर को ओनली फॉर गेमर्स लोगों के लिए ध्यान में रख के बनाया गया है। जब गेमिंग की बात हो रही है तो चलो मैं आपको इस फोन में PUBG गेम को प्ले करके दिखाता हूँ। इस फोन में PUBG का मैक्सिमम ग्राफिक्स आपको HDR अल्ट्रा फ्रेम रेट्स में मिलता है। इस फोन का GPU HDR 10 सपोर्ट के साथ में आता है, जिसकी वजह से इस फोन का जो पिक्चर क्वालिटी है बहुत ही जबरदस्त है। इस फोन में आपको गेम टर्बो मोड का ऑप्शन मिलता है, जिसकी वजह से गेमिंग में बहुत ही मजा आने वाला है। इस फोन में PUBG खेलने के दौरान मुझको जो परफॉर्मेंस मिला वो पूरा मक्खन मिला। फोन में आपको 4500 mAh का बैटरी मिल जाता है। ये लोग इस रेटिंग में चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ ये फोन कौन से एंड्रॉइड वर्जन में काम करते हैं। ये फोन काम करता है MIUI 11.0.4 में, जो कि बेस है एंड्रॉइड 9.5 पे। इस फोन में आपको सिक्योरिटी पैच 1 दिसंबर का मिल जाता है। ये जो फोन है वो है 6GB रैम और 64GB स्टोरेज वाला। अब बात करते हैं इस फोन के बायोमेट्रिक्स के बारे में। इस फोन का फेस आईडी लॉक एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत ही जल्दी सेट हो जाते हैं। चलो गाइस जल्दी से टेस्ट करते हैं इस फोन का फेस आईडी लॉक एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर को। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं अभी फोन की तरफ नहीं देख रहा हूँ, जैसे मैं फोन की तरफ देखता हूँ ये इंस्टेंट अनलॉक हो जाता है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत ही फास्ट है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। इस फोन का 6GB रैम और 64GB वेरिएंट की प्राइस है 15,985। इस फोन का जो सेकंड वेरिएंट है वो है 6GB रैम और 128GB वेरिएंट की प्राइस है वो है 16,735। तो फाइनली गाइस इस वीडियो में मैंने आपको फुल रिव्यू दे दिया Redmi Note 8 Pro का। अब बात करते हैं इसी फोन के अंदर में क्या क्या प्लस पॉइंट है और क्या क्या माइनस पॉइंट है। सबसे पहले बात करते हैं Redmi Note 8 Pro का माइनस पॉइंट के बारे में। इस फोन का जो सबसे पहला माइनस पॉइंट निकल करके आता है वो है इस फोन का डिस्प्ले से लेकर। इस फोन में आपको भैया सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलता, इस फोन में आपको मिलता है IPS डिस्प्ले, ठीक है। तो ये इस फोन का सबसे पहला माइनस पॉइंट। अब बात करते हैं इस फोन का सेकंड माइनस पॉइंट के बारे में। इस फोन का जो सेकंड माइनस पॉइंट निकल करके आता है वो इस फोन का हीटिंग इश्यू को लेकर। इस फोन के अंदर में आपको मिलता है भैया लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन, बट लिक्विड कूलिंग का ऑप्शन कुछ भी ज्यादा काम नहीं करता भैया। आप अगर पबजी को खेलते हो तो आपका फोन हीट होता ही, ठीक है। ये तो बात होगी इस फोन के माइनस पॉइंट के बारे में। अब बात करते हैं इस फोन के प्लस पॉइंट के बारे में। फोन का जो सबसे पहला प्लस पॉइंट निकल करके आता है वो इस फोन का प्रोसेसर को लेके। इस फोन में आपको मिलता है MediaTek Helio G92 प्रोसेसर, जो कि स्पेशली आपके जैसे गेमर्स लोगों के लिए ध्यान में रख के बनाया गया है। इसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इस फोन का सबसे पहला प्लस पॉइंट। अब बात करते हैं इस फोन का सेकंड प्लस पॉइंट के बारे में। फोन का जो सेकंड प्लस पॉइंट निकल करके आता है भैया इस फोन का कैमरा डिपार्टमेंट से। इस फोन का जो कैमरा डिपार्टमेंट बहुत ही जबरदस्त है, चाहे वो फ्रंट कैमरा हो चाहे बैक कैमरा, बहुत ही जबरदस्त है। अगर वीडियो को देखते देखते अगर आप यहाँ तक आ चुके हो तो भैया इस वीडियो में जो लाइक वाला बटन है उसको थोड़ा जोर से दबाओ एंड उसके साथ में ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताओ। एंड अगर आपको आगे आने वाले कुछ इन टॉपिक्स में आपको वीडियो देखना है वो भी मुझको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताओ, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया यहाँ पे क्लिक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपने मुझको अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भैया ये रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे जा करके फटाक से फॉलो कर लो। उसके साथ में भैया मिलता हूँ आगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।